फ्रेश होने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है मुझे, शायद आपको भी होती होगी, इसलिए मैंने तो प्री वर्कआउट के जैसे ब्लैक कॉफी पीना स्टार्ट कर दिया, गर्म करके पीता हूँ। तो इससे बेनिफिट ये होता है, फ्रेश होने में भी काफी ज्यादा आसानी होती है। बट आप ध्यान रखना, इतनी मत पीने ना कि रातों की नींद और दिन का चैन दोनों ही गायब हो जाए। जैसे ही मैं जाता हूँ लेटरिंग करने, वहां पर देखता हूँ भाई साहब ये स्पाइडर मैन है, क्या हो रहा है भाई। ये सारी कहानी मैं जाकर के अपने दोस्तों को बताता हूँ कि भाई साहब वहां पर ना मेंढक उल्टा चल रहा होता है दीवार पे, वो सब बोलते हैं नहीं, बात तिलक बोलता है कि मेंढक इतना कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। जली ना तेरी भी जली ना। फिर हम स्टार्ट कर देते हैं अपनी प्री एक्सरसाइजेस को, मतलब यहाँ पर हम वार्म अप स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर लगभग 10 से 15 मिनट तक हम वार्म अप करते हैं हार्ड बिना रुके, यहीं पर पसीना आ जाता है। उसके बाद हम स्टार्ट कर देते हैं अपनी रनिंग को, यहाँ पर मिल्खा बन ही रहते हैं, तभी ना हमारी हार्ड एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है जो कि हम 3 किलोमीटर तक रेस को कवर करते हैं। और उसके बाद हम मेंढक यहाँ पर स्ट्रेचिंग और उसके साथ में और मेंढक वाली चाल ही और 2-3 एक्सरसाइज के साथ में एक शूट भी लगाते हैं जिससे हमारा पसीना ज़्यादा आए और हमारा स्टेमिना थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। ये सब लगाने के बाद देखते तो ओ तेरी हमारे 1000 बाबा तो वहीं पर बैठे हैं और आज हमारा कॉम्पिटिशन चल रहा होता है। और ये देखो पीछे खींच रहा है, मेरे को खींचने ही नहीं दे रहा है। और आज हम कॉम्पिटिशन में 4 राउंड लगा लेते और बहुत बहुत दूर वाले राउंड लगा लेते, इसी में हमारी हालत काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाती है। और मनीष जब लगाता है ना तो भाई साहब वो तो खतरनाक लेवल ही लगाता है, और बाबा तो मत पूछो ही मत इनका। गाइस ये आगे तो जा चुका है, इसे आया नहीं जाएगा, देखना कंपटीशन में। आ जल्दी आ, पूरा आना इसके लिए मुश्किल है। कंपटीशन तो कर लिया भाई साहब इसने, बिना रास्ते में छोड़ेगा ही। देख लो तोड़ दिया। ओ तेरी मारेगा फाड़ा। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। के बाद हम 100 मीटर का शूट लगाते हैं, यहाँ पर भी हम अपना चैलेंज ले लेते हैं। और यहाँ पर कंपटीशन के साथ में काफी ज्यादा हमेशा मनीष जीता था, आज मैं जीत गया। क्यों? अपने कानून में कोई बराबरी नहीं कर पाएगा। क्यों? अरे उधर से शॉटको वालों गेम रखा गई, दो तम मारूं एक में मारूं। उसके बाद हम बिना रुके 45 मिनट्स तक एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम जो कल से एक्सरसाइज स्टार्ट होंगी ना वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल की होंगे। हम वहाँ पर अपने जितने भी सीरीज वाइज लेकर चलेंगे एक्सरसाइज को, और उसके बाद जो भी एक्सरसाइज रहेंगी सब की ना स्टेप्स रखेंगे कि 3 सेट लगाने हैं, 4 सेट लगाने हैं, हर एक्सरसाइज को अपने सिस्टमेटिक तरीके से करने वाले हैं अब हम, ताकि है ना हम अब इम्प्रूव कर सकें और बॉडी पे भी ज़्यादा फर्क दिखाई देने लगे। हालांकि धीरे धीरे दिखाई तो दे रहा है, बट यार फिर भी थोड़ा सा और इम्प्रूव हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आया सारा पानी पी गया हमारा, वो बस कर यार हम नहीं पियेंगे क्या? भी ज़्यादा पतला हो गया ये देखो, हाँ ये पहले से ज़्यादा पतला हो गया। ओ बाहर निकाल रहेगा, ओ भाई साहब बाबा को मिला 1 रुपये का सिक्का, उठा ले बाबा। ओ तेरे धन मिल गया भाई। ओ भाई ओ किस्मत वाला हूं मैं। ढक्कन चांदी, ये ढक्कन है। ये देखो गाइस ये अमेरिका करेंसी है, ये इनको समझ नहीं पड़ रही है। जो दोनों तरफ से दिखाई नहीं दे रहा। ये इंडिया को इनको समझ में नहीं आ रहा है, अमेरिका दिखे पे डॉलर 1 करोड़ का सिक्का है ये। अरे वो जैसे घोड़ा घास चरने नहीं गया था गोलमाल में, वैसे है ना गया हुआ है डॉलर मार गया, डॉलर गया हुआ है बाहर। ठंडी घास में टहलते हुए याद आया कि आज जनाब से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। जो अपने अंकित भैया है ना जिन्होंने भारत के अंदर 75 डेज चैलेंज स्टार्ट किया था, उन्होंने बेसिकली काफ़ी सारे लोग उनका ट्रोल कर रहे हैं कि वो फेक एक्सरसाइज, मतलब कि फेक बॉडी है, स्टोरॉयड वाली है, डब्बे खा रखे हैं, ये खा रखा है, सप्लीमेंट ज़्यादा ले रखा है। तो भाइयों मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ, पहले तो जो लोग उनको फॉलो करते हैं जैसे कि हम हैं, हमने भी उन्हीं को देख करके 75 डे हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट किया था। और पहले क्लियर कर दूं कि देखो वो काफ़ी साल पहले से मेहनत करते आ रहे, एक वीडियो है मैं वो दिखा रहा हूँ साइड में, वो देख लो आप। बेसिकली क्या है कि उन्होंने जब स्टार्ट किया ना वीडियोस डालना तब वो फेमस हो गए, स्पेक्स उनके पास पहले से ही थे और भैया बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी है, फोन पे गूगल पे सब थे उनके पास। तो या बेसिकली है ना क्या मेहनत की उन्होंने, देसी डाइट लिए, कोई भी डब्बा नहीं लिया। काफ़ी सारे लोगों की आज भी ऐसी धारणा है कि जिम से ही बॉडी बनती है, दूसरा डब्बे खाने से ही बनती है, उनका ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी को फॉलो करते हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन उन कितने लोग उनको उनसे इंस्पायर हैं, इंस्पिरेशन लेकर के काफ़ी सारे लोग ये हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। और काफ़ी सारे लोग, देखो सिंपल सी बात है, कोई इंसान आगे बढ़ता है उसको खींचने के लिए पीछे ज़रूर आते हैं इंसान, ऐसे उनके साथ हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्लियर रखो माइंड को,
अच्छे से देसी डाइट लो, देसी एक्सरसाइज करो, जो वो करते हैं उनके अकॉर्डिंग वो ज़्यादा बेटर है, उनको ट्रोल करना बंद कर दो। कुछ भी खाओ टट्टी तो आएगी आएगी। लेकिन टट्टी है कि सीधी टट्टी उल्टी टट्टी। हर एक्सरसाइज होने के बाद में पता चलता है यहाँ पर 1800 ना पढ़ने आए थे। मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर। बाबा पढ़ते थे? नहीं नहीं नहीं, मैं तंत्र विद्या करता हूँ। तंत्र विद्या में मॉनिटर थे आप? हाँ। वो आया आज भी बता दो, तेरे तुम्हारे घर में दो फैन नहीं है? तीन है साहब। ये तो सही नहीं। मेरे को कैसे बोल, ये नहीं एक लेटरिंग मोरी नहीं है? नहीं दो है साहब। दो कहाँ से? ये तो सही नहीं। बाबा 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 दिन में एक बार खाना नहीं खाते हो? दो तीन बार खाता हूँ बाबा। खाते तो है नहीं। बाबा। और यहाँ पर उसके बाद में घर पे जाते ही अपना काम स्टार्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर ना बिना रुके यहाँ पर मेहनत ज्यादा करनी पड़ती क्योंकि 11 बजे वीडियो हमेशा अपलोड रहती है। हमें भगवत गीता से शिक्षा मिलती है वैदिक आदेशानुसार अर्थात ये 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे अतातियों का तुरंत वध कर देना चाहिए क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। जैसे कि श्री राम भगवान साधु थे, आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं तो उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शन नहीं की। रावण अतातीय था क्योंकि वह राम जी की पत्नी माता सीता का अपहरण करके लेकर गया था, किंतु राम जी ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया कि जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। ऐसे ही हमें ऐसे पापियों का विनाश करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैं बैठ जाता हूँ काम करने, फिर मेरे दोस्त का फोन आता है, आज तो वेडनेसडे है क्यों ना हम सब्जी लेने चल पड़े। मैं सोचता हूँ चल ठीक है, फिर मैं अपनी धनों उठाता हूँ सीधा दोस्त के पास पहुँच जाता हूँ। हमारा टाइम लग गया था कि 5 मिनट के अंदर मेरे को पहुँचना है। मनीष बोलता है ओहो भैया आप तो जल्दी आ गए, 2 मिनट अभी बाकी हैं। फिर मैं बोलता हूँ भैया मैं थक गया, जब पानी लेकर आ। फिर पानी पी करके हम सीधा निकल जाते हैं अपने बाजार। जैसे ही बाजार में निकलते हैं वो अपनी कॉलोनी का प्रचार करने में कभी पीछे नहीं हटता। वो बोलता है ये देखो अपना नरसिंहगढ़, 1 लाख की बुकिंग स्टार्ट हो गई है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से। और आंटी से हम अपनी सब्जी लेने जाते हैं तो हम बोलते हैं ये भी दे दो वो भी दे दो। आंटी बोलती हैं पागल मत बना, 40 साल से सब्जियां बेच रही हूँ, उनको तेरी कितनी तो मेरी उम्र भी नहीं है। मनीष बोलता है फिर मैं सोचता हूँ क्यों ना मूली ले ली जाए क्योंकि अच्छे से पाद नहीं आते। ओहो मोटी मूली दे दो आंटी, बड़ा वाला मोटा वाला पाद मारूंगा मैं। बहुत बड़ा लड़का छो बे। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं दूसरे वाले भैया ने सिर्फ लौकी देखे, सिर्फ गेम में ध्यान दे रहे हैं, कोई आए कोई जाए हमें लौकी बेचने से कोई मतलब नहीं। ये वाले भैया है ना सारी की सारी प्याज बेच देते हैं, शकल देख करके हर किसी को प्याज बेचते हैं। और मस्त जोक मारा रे ये हंस रे हलकट हंस। और बैल बजाने के बाद कोई नहीं आता तो मनीष बोलता है क्यों ना भैया हम GST को डायल करके उनसे बात कर लें। उनका यार कुछ भी। फिर हम संतरे लेने जाते तो मनीष बोलता है लेने की क्या जरूरत है यहीं पे खड़े होकर खा लेंगे ना। ये बात चली रहती, देखते हैं उत्तरी हमारे बाबा आ गए हैं गुरुकुल से शिक्षा प्रदान करके। अरे बाबा आज सब्जियां ज्यादा हो गई थी तो हम सब्जियां लेकर घर आ जाते हैं और बाद में पता चलता है कि भैया घर में मच्छर बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो हम अंकल से अपनी मोटी और बहुत सारी चीजें लेकर के घर आ जाते हैं और फिर देखते हैं मच्छर कैसे मरते हैं। अगर आपने यहां तक वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक कर दो। कैसे करोगे मैं नहीं जानता। चैनल को सब्सक्राइब करोगे कैसे करोगे ये भी मैं नहीं जानता। डंडा मारो, घोड़ा मारो, कैमरा मारो, फोन मारो, कुछ भी मारो, लाल वाला बटन ग्रे हो जाना चाहिए। मैं जानता हूँ करेमिनाटे की कॉपी है बट मैंने ट्राई किया यार। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।